हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही बड़ी जो है जेके एसएसबी की तरफ से अपडेट आई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर साथ का जो है प्रेस कीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी कोई यहाँ पर वीडियो आपके लिए आए या कोई क्लास या कोई अपडेट यहाँ पर जो आपके लिए आए तो सबसे पहले आप तक जो है वो नोटिफिकेशन पहुँच सके, ठीक है। सो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर JKSSB की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4 of 2022 का जो है यहाँ पर एक यानी कि नोटिफिकेशन आउट किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन इसमें लिखा है। यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर आपको बताया है 4 of 2022। यहाँ पर सब्जेक्ट है एडवर्टाइजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल यूटी कैडेट पोस्ट आइडेंटिटी डिपार्टमेंट अंडर द प्रोविंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस डिसेंट। यहाँ पर यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर कुछ पोस्टें जो हैं JKSSP की तरफ से रिलीज़ की गई हैं, उसी के बारे में यहाँ पर जो है बात करेंगे हम। किस में जो है हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में कि किस में कितनी पोस्टें यहाँ पर, कितनी वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है इसमें जो है यानी कि 30 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर में, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशर्स डिपार्टमेंट में यहाँ पर 126 जो है यहाँ पर पोस्टें आउट की गई हैं वैकेंसी। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 3 यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं। ई स्टेट्स डिपार्टमेंट में 5, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में जो है यहाँ पर 523 यहाँ पर पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 28 यहाँ पर पोस्टें आउट की गई हैं। यहाँ पर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में 4 जो हैं पोस्टें आउट की गई हैं। होम डिपार्टमेंट में 23, हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी आउट की गई हैं और टूरिज़्म डिपार्टमेंट में यहाँ पे 10 पोस्टें आउट की गई हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट में कितनी की गई हैं, 17, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें यहाँ पर तो 772 जो है यहाँ पर टोटल पोस्टें आउट की गई हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर हम कि ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन कब जो है हम ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो वो रहेगा आपका 14/8/2022, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि 14 अगस्त 2022 को जो है आप यहाँ पर फॉर्म लगाना स्टार्ट कर सकते हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो 14 सितंबर यानी कि 14/9/2022 को जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। अनेक्सर ए में जो है आपको यहाँ पर अनेक्सर ए में बताया हो, पूरी PDF यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। अनेक्सर ए में बताया है पोस्ट का नेम, कैडरे, पे लेवल क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन कैसे होगी, ये सब अनेक्सर ए में बताया गया। और बी में यहाँ पर बताया गया है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन। अनेक्सर सी में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑनस्क्राइब, ठीक है। सो ये सब यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए फटाफट, वहाँ जाके आपको टेलीग्राम का एक चैनल मिलेगा, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए, देन आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड हो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम आगे की तरफ। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल जो है आपका यहाँ पर बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है। डोमिसाइल एज लिमिट की बात की जाए तो 1/1/2022 से जो है आपकी एज यहाँ पर काउंट की जाएगी, ठीक है। ओपन मेरिट की एज लिमिट एयर यहाँ पे 40 देख सकते हैं, SC की 43, ST की 43, RBA की 43, ALC, IB की 43, EWS की 43,
बाकी सबकी जो है यहाँ पर 43 एज दी हुई है। फिजिकल चैलेंज पर्सन जो है उनकी 42 यहाँ पर एज दी गई है, एक्स सर्विसमैन की 48 है, और गवर्नमेंट सर्विस जो है करते हैं या जिन्होंने छोड़ी है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 40 हो, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको एज बता दिया, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको बताया किस किस डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, यहाँ पर सब बताया गया है कि किस कैडरे में जो है कितनी वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है आपको डिवीज़न कश्मीर में, डिवीज़न जम्मू डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिवीज़न जम्मू डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिवीज़न कश्मीर एंड डिवीज़न जम्मू, ठीक है। फॉरेस्ट में भी जो है यहाँ पर यहाँ ये पोस्टें निकाली गई हैं। बाकी अगर हम बात कर लेंगे इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, तो क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें यहाँ पर आपकी यहाँ पर क्या है, ग्रेजुएशन आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपकी यहाँ पे बताई गई है, और अगर आप यहाँ पर ट्वेल्थ भी अगर आपने की हुई है तो ट्वेल्थ भी यहाँ पर आप फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। किसी भी बोर्ड से जो अगर आपने कोई भी यहाँ पर फॉर्म लगाया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो भी आप यहाँ पर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिजर्वेशन आपके पास है यहाँ पर SC ST EWSP PWD PSP को यहाँ पर रिजर्वेशन दी जाएगी, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर आप पूरी PDF पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 550 रहेगी जो कि जनरल कैटेगरी की रहती है, ठीक है, और 450 जो है बाकी अदर SC ST PWD EWS की जो है यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेंटर जो है एग्ज़ामिनेशन का वो कहाँ पे आएगा वो भी आपको तभी पता चल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन की क्या स्कीम है, क्या सिलेबस रहने वाला है, ये सब इसमें बताया गया है आपको। यहाँ पर ये सब कुछ जो है आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा जब आपके जो है यहाँ पर फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो है ये बहुत ही बड़ी अपडेट है कि JKSSB ने यहाँ पर वैकेंसी आउट कर दी गई है। पिछले कुछ मंथ से जो है यहाँ पर JKSSB जो है वाइल्ड लाइफ गार्ड का अभी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, ये वैकेंसी और आउट करते जा रहे हैं, पर देखते हैं अब क्या करती है ये JKSSB। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।